यस हेलो एवरीवन वेरी 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 गुड मॉर्निंग तो इज द जोश ओके तो सारे लोग गए कहाँ वैसे हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ सॉरी oh, थोड़ा लेट हो गया तो आज क्योंकि आपके लिए ये सरप्राइज़ था कि आज क्लास जो है वो बोर्ड से होगी तो सरप्राइज देते देते जो है मैं थोड़ा लेट हो गई हाँ आई एम रियली सॉरी ठीक है सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और आज का जो सेशन है हमारा वो होने वाला है तो ये अक्टूबर के जितने करंट अफेयर्स हैं ना उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जितने छूटे हुए करंट अफेयर्स है विथ एक्सप्लेनेशन ओके एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ आर रिविजन तो रिविज़न भी करना है आपको पता है कि स्ट्रैटेजी ये है कि नवम्बर में जो आपका दो एग्ज़ाम है ना उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और दैट इज़ द मोटो वॉट ऑफ आर एजेंडा क्या है कि करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि नवम्बर में एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब हम यहाँ कर लेंगे हाँ तो अच्छा गजब गु दिल से स्वागत कर रहे हैं आप मेरा मैम अभी कितना लेट होंगे नहीं नहीं लेट नहीं हो ठीक है हाँ जी बिल्कुल तो साक्षात मैं आपको दिख रही हूँ ऑन बोर्ड आओ ऑन बोर्ड आओ आ गई ऑन बोर्ड अब चलो पढ़ो ठीक है तो हाउ इज़ द जोश इसका आंसर तो दिया नहीं आप लोगों ने हाउ इज़ द जोश अभी फेस्टिवल सीजन है चल रहा है दिवाली है आज भाई दूज है फिर आपका कल से नहाए खाए अगर आप बिहार से हैं तो आपको छठ के बारे में पता होगा कल से नहाए खाए हैं उसके बाद आपका खरना है खरना के बाद पहला शाम का अर्ग है फिर सुबह का पारन है मतलब सुबह वाला अर्ग है है ना तो थर्टी फर्स्ट तक तो अभी हमारा है फेस्टिवल तो हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते करते याद रखना है कि फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना तो इसीलिए उसको कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं एवरी इज रेडी टू स्टडी राइट हाँ और मुझे बताएंगे जिन लोगों का खास वो था ना कि नहीं मैम बोर्ड में पढ़ाओ बोर्ड में पढ़ाओ वॉट इज द डिफरेंस ठीक है साक्षात हाँ ठीक है चलें बढ़िया जोशे भाई हाँ। तो गए पहले तो हम लोग ये जान लें कि हम लोग ना 16 से लेकर 26 के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं कि इसका भी चांस है मान लीजिए कुछ आ गया तो हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है वर्ल्ड फूड डे लीव नो वन बिहाइंड इसका थीम है ठीक है क्या है क्वेश्चन वर्ल्ड फूड डे लीव नो वन बिहाइंड ये आपका मनाया गया अक्टूबर में अब आपको बताना है कि ये जो वर्ल्ड फूड डे है वर्ल्ड फूड डे खाना है ना लीव नो वन बिहाइंड मुझे भी थोड़ा ना अलग लग रहा है बहुत दिन बाद हो गया ना टाइम हो गया तो लीव नो वन बिहाइंड ये वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है जी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जोश इज वेरी हाई हाई ऑन बोर्ड अच्छा हाँ यू सी मी डांसिंग फ्रॉम हेयर टू देर जोश बिकम्स हाई है ना चलें बढ़िया तो ये आपका कब मनाया जाता है बिल्कुल 16 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है हाँ हाँ यहाँ से वहां वॉक करने में मेरा भी वेट कम होगा सही बात तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो दुनिया भर में हमें क्या करना है देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्यों जॉब करना होता है जो मेन मोटो होता है खाना पेट पालने के लिए है ना बोलते हैं पेट बड़ा पापी इंसान है पापी है तो 16 अक्टूबर को ये एक वर्ल्ड फूड डे होता है आपका लीव नो वन बिहाइंड किसी को भी नहीं छोड़ना है पीछे और ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ तो यूनाइटेड नेशन का ही एजेंसी है एफ और ये 1945 में स्टेब्लिश हुआ था और यही सेलिब्रेट करता है आपका वर्ल्ड फूड डे ठीक है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कम होता है तो गरीबी को हटाना है गरीबी को जड़ से खत्म करना है ये बहुत जरूरी है तो इसको इराडिकेट करने के लिए यानी गरीबी हटाने के लिए ये सत्रह अक्टूबर को होता है तो ये याद रखेंगे कि इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर कब होता है आई एम लुकिंग डिफरेंट वाई वाई आई एम लुकिंग डिफरेंट आई एम अच्छा ठीक है ठीक है हाँ जी तो ये अभी आपने पढ़ा कि ये सत्रह अक्टूबर को होता है बहुत स्लो हो यार क्या हो गया डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस तो सबको डिग्निटी होना चाहिए सबका सम्मान होना चाहिए और ये सत्रह अक्टूबर को 1987 में पहली बार इसको किया गया था कि हमें दुनिया भर से पॉवर्टी गरीबी को हटाना है बिल्कुल यस चले बढ़िया हम्म हाँ Uh, एक स्टूडेंट कह रहा है मैम आप दौड़ते हुए आई हूँ बिल्कुल मैं जॉगिंग करते हुए आई हूँ आप लोग भी थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखें जॉगिंग वॉगिंग कीजिए हाँ uh, जॉगिंग करते करते एक्चुअली वही हो गया था ऐसे 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 जाके मैं लेट हो गई ओके ठीक है अच्छा ये वाई द अटेंडेंस इज सो लो टुडे कहाँ गए सारे स्टूडेंट्स कहाँ वेर आर द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना है आज हाँ अच्छा तो यहाँ बताएं कि वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक 107 ठीक है तो 121 कंट्री में भारत का रैंक क्या है 107 अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया पता है इसमें पाकिस्तान का रैंक और बांग्लादेश का रैंक और ये सारे रैंक जो है वो हमसे अच्छे हैं या खराब है ये भी जानना है तो अब तो पता ही है कि 107 है अब देखो एक एक था जब 116 कंट्री था तो हमारा रैंक था 101 पिछले साल अब 121 कंट्री है तो हमारा रैंक हो गया 107 इस साल ठीक है और ये हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ आपका 14 अक्टूबर को कौन रिलीज किया तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड कंसर्न वर्ल्ड वाइड किया जो कि आयरलैंड का है और वेल्ट हंगर लाइफ किया जो कि जर्मनी का है इंडिया पुअर है पाकिस्तान से पाकिस्तान का यहाँ पे रैंक 99 दिया गया है हम लोग का 107 दिया गया है नेपाल का एट्टी दिया गया है हम लोग का बांग्लादेश का 84 दिया गया है हम लोग का 107 है मतलब कि अफगानिस्तान का रैंक 109 है हमसे बस दो कदम नीचे है और इंडिया का रैंक 107 है जस्ट इमेजिन और यहाँ पे टॉप फाइव कौन से हैं तो बेलारस है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया है चिले है चाइना है क्रोएशिया है और बॉटम में कौन है चार्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैसकर यमन है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है तो ये सब बॉटम है और टॉप फाइव है इंडिया का रैंक अच्छा नहीं है हंगर के हिसाब से ठीक है तो आंध्र प्रदेश असम और गुजरात ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं पंद्रह स्टेट और यूटी है टोटल जिनको अचीवर कैटेगरी में लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में इनका डाला गया है तो सबसे ऊपर में आंध्र प्रदेश है तो आपसे पूछा जा रहा है लीड्स लीड्स क्या है लॉजिस्टिक इंडेक्स है है ना लॉजिस्टिक इंडेक्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि लीड्स में बेस्ट स्टेट कौन सा है गाइस यू आर टू लाइक एंड शेयर द सेशन ऐसे कैसे चलेगा अच्छा हम्म हाँ तो मुझे मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्लास अच्छा लग रहा है हाँ ठीक हाँ है थैंक यू एवरी वन एवरी वन बहुत अच्छा आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है दिवाली के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है कुछ दिन बाद फिर आप लोगों को वैसे ही लगेगा बिल्कुल तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है असम गुजरात ये तीन ऐसे हैं जो टॉप थ्री में हैं टॉप फिफ्टीन स्टेट्स और यूटी में ये अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में इसका नाम डाला गया है इसको आप याद रखेंगे लीड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लॉजिस्टिक ईज यानी कि यहाँ से जो माल होता है माल समझ रहे हैं समान तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है इसीलिए ये इजी है मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसका इजी है यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन रोडवेज या रेलवेज का इजी है सो तो इसको टॉप में डाला गया है फाइन फिर आप देखें यहाँ पर टाइम टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 तो हायर एजुकेशन रैंकिंग में आई बेंगलुरु यहाँ टॉप किया इंडियन यूनिवर्सिटी में ये तो हमेशा ही होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है कौन सा इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि टाइम्स यानी कि टाइम्स का मतलब होता है टी एच ई टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया भारत में तो आई एस ए बेंगलुरु है अभी तो पढ़ा हमने तो यहाँ पे आई एस बेंगलुरु है और साथ ही साथ आप देखिए इसके अलावा और भी जगह और भी आई को रैंक मिला है रोपड़ इंदौर गांधीनगर पटना भुवनेश्वर गुवाहाटी मांडी इनको भी 500 से लेके 1200 के बैंड में इनको भी रैंक मिला है फाइन चले नेक्स्ट शॉर्टगन वर्ल्ड अभी तक आपको मैंने आंसर बताया और फिर क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों ने नहीं बताया अब बिना आंसर बताए मैं क्वेश्चन पूछूंगी उ इज योर परफॉर्मेंस हाँ ठीक है ठीक है ओके तो क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिया फिनिश एट विच पोजिशन विच पोजिशन इन ओसीजेक शॉर्ट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा कौन सा पोजिशन हासिल किया शॉर्ट गन में तो so यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत फिफ्थ आया है एक गोल्ड मेडल है एक सिल्वर मेडल है दो ब्रॉन्ज मेडल है और ये क्रोएशिया में हुआ शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ये आपका भारत भारत इसके फिफ्थ पोजिशन पे। इसको आप याद रखेंगे साथ ही साथ कुछ नाम है जैसे कि मेन के स्की टीम में आप देख सकते हैं कि कांगुरा और मिराज अहमद खान अनंत जीत सिंह नरुका तो इन लोगों ने मेडल जीता है भारत के लिए इनको आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ आप देखिए क्रोएशिया एक देश है जो कि यूरोप में है और क्रोएशिया के बारे में आप ये जान सकते हैं कि क्रोएशिया का कैपिटल जो है वो जाग, जाग्रेब है जा, जाग्रेब है, ठीक है जैग्रेब इज कैपिटल ऑफ क्रोएशिया और ये जो आपका सी है क्रोएशिया किस नदी मतलब सी के पास है तो ये एड्रियाटिक सी है कौन सा सी है ये एड्रियाटिक सी है फाइन तो क्रोएशिया किस के तट पे कौन सा सी है ये है एड्रियाटिक सी क्लियर यस yes. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटीन प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में हुआ आपको बताना है कि ये आपका किस शहर में हुआ किस शहर में प्रवासी दिवस मनाया गया मतलब मनाया जाएगा 2023 में आप जानते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए और उन्हीं उसी दिन को हम याद करने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं अगले साल इसको इंदौर में मनाया जाएगा 2023 में भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा साथ ही साथ यू हैव टू कि अभी इसके पहले कहां पे हुआ है तो 2019 में इसको किया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में और गांधी जी क्योंकि 9 जनवरी 1915 में आए थे तो इसलिए इसको मनाया जाता है फाइन पहली बार कहाँ हुआ तो पहली बार दिल्ली में हुआ था 2003 में ओके चले नेक्स्ट कामरूपा परम कामरूपा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी लॉन्च किया है एक और आपको बताना है, है अक्टूबर का भी करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना होता अगर चांसेस नहीं होते तो मैं डिस्कस नहीं करती डोंट वेरी और जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं नॉट लाइक द सेशन ये टाउ हुई द सेशन एक तो फ्री में पता है चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री में होता है लाइक करना भी फ्री में होता है हम्म मुझे लगेगा कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो अगर समझ में आ रहा है आप एक बार लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ समझ में आ रहा है हाँ जी ठीक है तो ये कौन सा आईआईटी है ये है आईआईटी गुवाहाटी पड़म परम कामरूपा ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि द्रौपदी मुर्मू जी ने आईआईटी गुवाहाटी में भी लॉन्च किया आपको आईआईटी गुवाहाटी का एक और करंट अफेयर्स याद होगा जाइलिटॉल जाइलिटॉल क्या है कि अगर किसी को शुगर की बीमारी है और कोई चीनी नहीं खाना चाहता है या एवॉइड करना चाहता है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है जाइलिटॉल राइट चले बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे इराक इराक के बारे में पूछा जा रहा है नए प्रेसिडेंट कौन है इस बात पर हंस रहे हैं आप लोग समझ में आया है मैम अच्छा पता चल गया यस इट इज एप्लीकेबल फॉर एफ कैट यस हम्म आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत जरूरी है अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं डिस्कस होता राइट right? हाँ जी चलें बढ़िया ओके okay. मैंने टेस्ट सीरीज दिया और अच्छे भी हैं बट हमें और भी ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी सही बात है हाँ तो यहाँ पे आप देखें इराक अब्दुल लतीफ राशिद इनका नाम है अब्दुल रश लतीफ राशिद ये इराकी पार्लियामेंट ने इनको अभी सेलेक्ट किया है प्रेसिडेंट तो इसको आप याद रखेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट आइलैंड पिट आइलैंड आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बहुत हंड्रेड्स ऑफ पायलट वेल्स मतलब इनका डेथ हुआ जो नहीं होता है कि तट पे ऐसे वेल्स आ जाते हैं और बहुत सारे वेल्स का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पायलट वेल्स हैं जिनका डेथ हुआ है आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री में है या अमेरिका में है न्यूजीलैंड में है जापान में है या इंडोनेशिया में है पिट आइलैंड तो पिट आइलैंड आपका न्यूजीलैंड में है टू पायलट एंड हैव पायलट देयर लाइफ तो न्यूजीलैंड में बहुत सारे वेल्स का निधन हो गया है और ये पिट आइलैंड ये पैसिफिक ओशन में है ये आइलैंड जिसको आप याद रखेंगे अभी नी, अभी न्यूज में भी आया था और चैतम आइलैंड आर्ची पलागो वॉट इज आर्ची पलागो बहुत सारे द्वीप होते हैं छोटे छोटे उनका समूह होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं आर्ची पलागो कहते हैं फाइन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले भी 215 वेल्स मिस्टीरियसली इनका डेथ हुआ था और फिर अब क्या हो रहा है कि 240 पायलट वेल्स का भी डेथ हो गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन बैंक बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं तो आपको बताना है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 वेरी गुड यस yes. हाँ बहुत बढ़िया परमार आपका इनपुट बहुत अच्छा है ठीक है टेस्ट सीरीज में है नॉन टेक वाला पार्ट बिल्कुल है ठीक है हाँ होम पेज पे जाइए प्लेलिस्ट अपलोड हो गया है पॉलिटी का भी ज्योग्राफी का भी जितने भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए थे सारे प्लेलिस्ट आ गए हैं आप उसको चेक कर लीजिए जी तो यहाँ पे आप देखिए ये है सौरभ गांगली सौरभ गांगली बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर बंधन बैंक के इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखें इंडिया वुमेन्स टीम हैज क्लिज वुमेन्स एशिया कप 2022 टाइटल तो वुमेन एशिया कप किसने जीता है तो ये जीता है भारत वीमेन्स टीम ने आपको बताना है कि फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था बता सकते हैं एवरी वन आई एम सीन मैं देख रही हूँ आप लोग जो आंसर दे रहे हैं हाँ तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने श्रीलंका को हराया और फॉर द फिफ्थ टाइम भारत के विमेन टीम ने अब एशिया कप जीत लिया है इसको आप याद रखेंगे साथ ही साथ आपको बताना है कहाँ हुआ मैच तो ये सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि बांग्लादेश में है यहाँ पे ये मैच हुआ था और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी रेणुका सिंह बनी टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी दीप्ति शर्मा वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन मेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन एफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जो है यहां पे आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये सेकेंड इंडियन क्यों है इसके पहले किसने जीता था तो अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट टू विन द गोल्ड मेडल इन 2006 जब क्रोएशिया के कैपिटल में हुआ ठीक है इस बार भी क्रोएशिया में ही हो रहा है आपको ये याद रखना है चलें बढ़िया और इससे क्या हुआ इनको दो में ओलंपिक्स में इन्होंने अपना जगह सिक्योर कर लिया है फाइन कुआफू कुआफू वन कुआफू वन अभी सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है सोलर ऑब्जर्वेटरी है कुआफू वन ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है जापान है फ्रांस है चाइना है या अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है तो ये लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा और ये सन को चेक करें मतलब सन को ऑब्जर्व करने के लिए किया जा रहा है ए एसो एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी और ये लॉन्ग मार्च टू रॉकेट द्वारा कुआफू वन इसको लॉन्च किया गया है ग्रीन एनर्जी सोर्सेज तो विच एयरपोर्ट हैज़ स्टार्टेड हंड्रेड परसेंट ऑपरेशन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज तो ये कौन सा एयरपोर्ट है इसको आप बताइएगा हाँ जी सर बहुत स्लो आंसर क्या हाउ इज द जोश गाय इतना स्लो आंसर क्या हो गया समझ में आ रहा है ना किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए हम्म तो मतलब आई एम बैक ऑन बोर्ड तो ऐसा स्वागत होगा यहाँ पे आप देखें मुंबई एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में है और ये ग्रीन एनर्जी सोर्स मतलब ये स्विच कर गया कि ये ग्रीन एनर्जी सोर्स चलाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये है मुंबई का एयरपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये कौन सा शहर है यह है है, हैदराबाद तो हैदराबाद ने पेरिस को हरा दिया ठीक है बीटिंग पेरिस बगोटा मेक्सिको सिटी मॉन्टेरियल सबको यहाँ पे हरा दिया गया है और फिर फाइनली इन्होंने बैक किया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड तो ये अवार्ड इनको मिला है क्यों क्योंकि लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ तो इस कैटेगरी में हैदराबाद को अवार्ड मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द अवार्ड वॉज रिकोगनाइज तेलंगाना, तेलंगाना कु हरित हरम तो यहाँ पे हरित यानी बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया गया है सज्जन प्रकाश एट मेडल थर्टी सिक्स, एट मेडल सज्जन प्रकाश ने जीता है ठीक है थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स दो हजार बाईस तो अब आप बताएं कि सज्जन प्रकाश जो कि छत्तीसवें नेशनल गेम्स ये कहाँ हो रहा है गुजरात में हो रहा है मैस्कॉट क्या है सवज है याद है ना सवज यानी कि लाइन कब तो इनसे आप आपसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने अभी मेडल जीता ये क्या खेलते हैं ये स्विमिंग करते हैं ठीक है ये क्या है स्विमर हैं इन्होंने अभी गोल्ड मेडल सज्जन प्रकाश जो कि केरला के हैं इन्होंने जीता और हसिका रामचरण रामचंद्रन तो ये कहाँ से हैं रामचंद्र चंद्र जो हैं ये कर्नाटका के हैं कर्नाटका की हैं इनको मिला है बेस्ट और बेस्ट मेल सज्जन प्रकाश बेस्ट फीमेल हसिका को मिला है मेडल्स चले बढ़िया नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान जी इन्होंने इनोग्रेट किया आई आई एन वि फर्स्ट एवर आई आई टी ऑल आई आई टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोकेश तो ये ऑल आई आई टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आर डी आपको बताना है ये किस आई आई टी में अभी अभी बनाया गया है क्या ये गांधी गुवाहाटी है दिल्ली है मद्रास है या कानपुर है ठीक है स्विमिंग खेल होता है हाँ स्विमिंग खेल होता है माइकल फिलिप्स का नाम नहीं सुना आपने यस yes, ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली में है ये ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अ टोटल ऑफ सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट्स जो कि टोटल ट्वेंटी थ्री आई द्वारा एग्जिबिट किया गया और इसको आप याद रखेंगे लिनवेंट टिव इसका नाम है और ये जितने भी आई हैं सब ने यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को अभी शोकेस किया है कहाँ पे न्यू दिल्ली में फाइन अंबेडकर अ लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ भीम राव राम जी अम्बेडकर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है हाँ ठीक है ठीक है इनमें क्या कंफ्यूजन है फाइन तो ये किताब लिखी गई है शशि थरूर द्वारा अंबेडकर अ लाइफ इन इज बायो अ लाइफ इज अ बायोग्राफी ऑफ भीम राव राम जी और शशि थरूर ने ये किताब लिखी है शशि थरूर आपको पता है कि ऑलरेडी ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी तो इनके द्वारा अगर कोई किताब लिखी गई है तो इसका पूछा जाना मतलब ज्यादा चांसेस है तो आप इसको याद रखेंगे फाइनल विच क्लास ऑफ मिसाइल इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सम्मेरन डिजाइन एंड बिल्ड बाई इंडिया तो कौन सा मिसाइल है इस ये तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियर सम्मेरन डिज़ाइन तो ये बनाया गया आप बताएंगे कि ये कौन सा मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे अगर आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं आप मेरे बताने के बाद एक बार, एक बार आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा याद रहेगा एटलीस्ट मिसाइल तो बता सकते हो जो हमारा न्यूक्लियर सबमेरिन मिसाइल है इसका नाम क्या है इसका नाम है अरियंथ है ना तो आई एन भारत का न्यूक्लियर सब पावर्ड सबमेरिन मिसाइल आई एन के बारे में सुन लीजिए पूछा जा सकता है तो ये अक्टूबर 14 को कैरी आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च किया गया ऑफ अ सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल एस एल एस एम बी यानी सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल बे ऑफ बेंगाल में बहुत हाई एक्यूरेसी से रीजन टू वैलिडेट द ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द वेपन सिस्टम तो एक बार चेक करने के लिए इसको किया गया अढ़ियंत के बारे में आप जान लीजिए कि 6000 थाउजेंड टन आई एन एस अढ़ियंत सिक्स टन का एक सबमरीन है साथ ही साथ एक लीड शिप है आई एन एस अढ़ियंस क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बेलास्टिक मिसाइल सबमरीन का और ये इंडिजीनियस है यानी कि भारत द्वारा ही बनाया गया है सबमरीन दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी फाइन वट इज द रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन तो भारत का मछली उत्पादन में रैंक क्या है क्या ये पहला है दूसरा है तीसरा है या चौथा है मछली उत्पादन में भारत का रैंक क्या है तो यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड है हम थर्ड हैं और इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना तो सबसे बड़ा जो है वो चाइना है और भारत जो है अभी ये थर्ड पोजीशन पे है अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम फोर्थ पोजीशन पे हैं ओके okay. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एम बी बी एस कोर्स बुक्स इन विच लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम तो भारत द्वारा जो एम बी बी एस का कोर्स है इसको पहली बार किस लैंग्वेज में अभी लाया गया है यह है हिंदी ठीक है तो हिंदी में पहली बार इसको लाया गया है अक्टूबर सोलह संडे था और यूनियन होम एंड कोऑप्रेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने एम के सारे कोर्सेस को हिंदी में लॉन्च किया कहाँ पे तो भोपाल मध्य प्रदेश में और बहुत जल्दी ऐसा कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी सारे किताब को हिंदी में लॉन्च किया जाएगा और बाकी आठ भाषाओं में भी इनका अब ट्रांसलेशन शुरू कर दिया गया है ताकि जो बच्चे मदर टंग में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा आसानी हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनाग्रेट किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन तो ये किसान सम्मान सम्मेलन जो है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान सम्मेलन को जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल थाउजेंड फार्मर्स पूरे देश भर में अक्रॉस कंट्री एंड अराउंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एग्री स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में फाइन हु फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट ग्वालियर एयरपोर्ट तो ग्वालियर एयरपोर्ट में नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है इसका फाउंडेशन स्टोन किसने लीड किया तो फाउंडेशन स्टोन इसको लीड किया गया है अमित शाह द्वारा इन्होंने शिलान्यास किया ग्वालियर में जो एयरपोर्ट बन रहा है ये मध्य प्रदेश में होगा इसका नाम किसके नाम पे रहेगा तो राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम पे इसका एयरपोर्ट का नाम रहेगा सार्स कोव टू वायरस इसका आपको बताना है कि एंटीडोट बन गया है तो एंटीडोट का नाम क्या है समझ में आ रहा है ना सबको ठीक है ओके okay. एंटीडोट का नाम क्या है एंटीडोट का नाम है आपका विनकोव विन कोव 19 कोव भारत का फर्स्ट एंटीडोट प्रोजेक्ट किया गया है क्योर अगेन्स सार्स कोव टू इसको आप ध्यान रखेंगे फाइन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री माँ आयुष्मान ठीक है प्रधानमंत्री जय जय मतलब जन आरोग्य जन आरोग्य याद रहेगा ना जन आरोग्य है ये और फिर माँ आयुष्मान कार्ड तो ये गुजरात में है तो प्रधानमंत्री जी ने आप क्या किया है कि जन आरोग्य योजना जय इसको याद रखेगा ए बी का मतलब है आयुष्मान भारत पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री और जे ए बाई का मतलब है जन आरोग्य योजना तो मोदी जी ने इसको किक स्टार्ट किया है कहाँ पे गुजरात में अब यहाँ पे कार्ड्स मिलेंगे तो आयुष्मान कार्ड्स मिलेंगे फाइन यस चले नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जाए कुचिपुडी ना नाट्योत्सव तो नाट्योत्सव कुचिपुडी कहाँ का डांस है मोहिनी अत्तम कहाँ का डांस है मोहिनीअत्तम और कथक कली है ना मोहिनी अत्तम और कथक कली कहाँ का डांस है तो मोहिनी आत्म और कथक कली केरला का डांस है भरतनाट्यम कहाँ का डांस है भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ आंध्र प्रदेश हाँ बढ़िया तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी और सतारिया कहाँ का डांस है सतारिया असम का डांस है मणिपुरी मणिपुर का डांस है कथक कथक नॉर्थ इंडिया का डांस है ओडिसी ओडिशा का डांस है तो ये जो आठ डांसेस हैं ये क्लासिकल डांसेस हैं और कौन से स्टेट के ये आपको याद रखना है ठीक है हाँ जी क्या तो ये आप याद रखेंगे ये कहाँ पे है तो ये विजयवाड़ा में कुचिपुड़ी विजयवाड़ा में अभी इसका नाटोत्सव होगा क्यों किसको याद करते हुए होगा तो नाइनटी थर्ड बर्थ एनिवर्सरी है किसका वेम्पति वेम पति चन्ना सत्यम का ठीक है तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का ये नाइंटी थर्ड बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए इसको सेलिब्रेट किया जाएगा ओके विथ स्टेट हैज इमर्ज एज इंडियाज ओनली स्टेट टू अचीव द टारगेट फॉर 2021 के क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के टारगेट्स को किस स्टेट ने अचीव किया है प्रता था था वेरी गुड और गैट का कोई अच्छा हिंदी मीडियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही कर लो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हाँ जी ओके तो ये कौन सा स्टेट है ये स्टेट है आपका तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु ने जल जीवन शक्ति मिशन जो है इसके सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए सारे टारगेट्स को कंप्लीट किया फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग तो गाना आप लोग सुनते होंगे तो यहाँ पे एक किताब लिखी गई है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग किसने लिखा ये किताँ? ये किताँ है ये किताब ये किताब लिखी गई है जॉब डेलन द्वारा ठीक है डायलन बॉब डायलन द्वारा ये किताब लिखी गई है बॉब डायलन ने ये किताब लिखी है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग ठीक है और इनको 2016 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया गया है फॉर क्रिएटेड न्यू पोइटिक एक्सप्रेशन विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन फाइन तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट आप देखें आज भाई दूज है आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं अभी और क्वेश्चन हैं भाग्य गमन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज, आज आप कोई भी क्लास लेते हैं लाइव क्लासेस या महा पैक्स लेते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर मिल रहा है और आपको पता है कि हम स्कॉलरशिप कर रहे हैं जो कि वर्थ टेन करोड़ का है तो टेन करोड़ का स्कॉलरशिप है ये सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है कोड आपको पता ही है ये वाई तीन है आप इसको यूज़ कीजिए और भाई दूज के अवसर पर आपको डबल वैलिडिटी के साथ 77% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस 1% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप से करेंगे तो के से करने पे आपको एक परसेंट का डिस्काउंट और ज्यादा मिलेगा वच कंट्री वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ पे किस देश में आपको भी भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू आप लोग भी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िए है ना ठीक है ठीक है सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां पे गाई? तो ये इंडिया में है, है ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल यानी कि हर तरफ से देखो तो गरीबी गरीबी पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग एम पी आई इसका नाम है सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे हैं वो इंडिया में ठीक यस लेकिन नंबर कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी हैं हाँ इंडिया स्टिल एट द वर्ल्ड्स नंबर और सेकंड में नाइजेरिया में फिर आप देखें कि बुकर्स प्राइज द सेवन मून ऑफ माली अलमेडा ठीक है माली अलमेडा इसके लिए प्राइज अभी किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर्स नहीं पूछ रही हूँ मैं बुकर्स प्राइस पूछ रही हूँ तो बुकर्स प्राइज मिला है शहन करुणा तिल्लाका को ये श्रीलंका की है अभी श्रीलंका को हर हर तरफ से प्राइज मिला जा रहा है, है ना तो हाँ ठीक है तो यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो बुकर्स प्राइज़ है आपका ये इनको मिला है और ये श्रीलंका की है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये क्या कर लो अच्छा हाँ नाइजेरिया हमसे अच्छा है इसका मतलब बट आपने पीएम ट्रिलियन चिल्लाते हैं मतलब अच्छा ठीक है ठीक है अभी देखो गाइज जल्दी आंसर दो यार क्या कर लो हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हर्डलर टू ब्रेक 13 सेकंड बैरियर तो ये हर्डलर हैं यानी कि एथलीट हैं ज्योति यार जी ये इन्होंने सारे रिकॉर्ड सब तोड़ दिए हैं 100 मीटर हर्डल्स को तोड़ दिया है आईपीएल इज सेट टू टेक प्लेस इन विच ईयर अब आईपीएल किस साल होगा तो ये आपको पता होगा आईपीएल अब अगले साल 2023 में होगा है ना अगले साल 2023 में होगा फिर आप बताएंगे कि थीम क्या रहा डेफ एक्सपो का यानी कि डिफेंस का जो एक्सपेडेशन हो रहा है ट्वेल्थ एक्सपेक्टेशन है अहमदाबाद और गांधीनगर में हो रहा है तो आपको बताना इसका क्या रहा थीम तो इसका थीम रहा पाथ टू प्राइड जस्ट वन सेकेंड जी ठीक है हाँ पाथ टू प्राइड रहा आप ठीक है फिर आप बताएंगे कि उल्फ

ओडीआई कैप्टन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट किसको अभी सेलेक्ट किया गया है यह है भारत भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट हो गए मल्लिकार्जुन कागड़े ठीक है का तो ये कांग्रेस के मल्लिकार्जुन जो हैं वो बन गए हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट्स। तो सी ए जी आर्टिकल नंबर वन फोर्टी एट वो नहीं पूछ रही हूँ मैं मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो भारती दास बने हैं ये नाइनटीन एटी एट के आई एस मतलब इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं और ये भारती दास सी जी ए बने हैं ओके okay. दुर्गावती टाइगर रिजर्व माई स्पीड इज इंक्रीजिंग अब आप लोग भी आ जाइए बहुत आराम आराम से पढ़ लो ऐसे नींद आ जाएगी मुझे भी तुम्हें भी हाँ दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बिकम द न्यू टाइगर रिजर्व किस स्टेट का तो ये स्टेट है आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व हो गया है हु ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रिवेंसिस तो जितने भी जनता का प्रॉब्लम है उसका समाधान करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट एकदम टॉप पे है ये डिपार्टमेंट है आपका यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये यू आई डी ए आई ने इसको टॉप किया है ठीक है सारे ग्रेवेंसिस पब्लिक के सारे समाधानों को इन्होंने मतलब सारे समस्याओं को इन्होंने हल कर दिया हैज बीन अवारेड एज द सर सैयद अहमद एक्सीलेंस एवार्ड दो सर सैयद अहमद एक्सीलेंस एवॉर्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है और यह दिया, दिया गया है और दो सौ पांचवें बर्थ एनिवर्सरी पे सर सैयद अहमद को आप जानते थे है ना हिस्ट्री में पढ़े हम लोग और इन्होंने फाउंड किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राइट फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स तो आपको पता है कि फादर ऑफ आर नेशन जो है वो महात्मा गांधी है, हैं फादर इन लॉ ऑफ आर नेशन जो है वो नारायण मूर्ति बन गए हैं तो उनके ही दमाद जी हैं ये ऋषि सुनाक हैं ऋषि सुनाक एक ब्रिटिश पोलिटिशियन है और ये प्राइम मिनिस्टर बने यूनाइटेड किंगडम्स के 25 अक्टूबर 2022 से ये स्टार्ट करेंगे अपना कार्यभार और इसके पहले लीज ट्रूस थी जो कि बहुत मेहनत से आपने पढ़ा था कि 6 सितंबर से 25 अक्टूबर तक लीज ट्रूज प्राइम मिनिस्टर रहीं यूके की अब ऋषि सुनाग जो कि इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति के सन इन लॉ हैं ये बन चुके हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं ये प्राइम मिनिस्टर बन गए ब्रिटेन के बहुत बड़ी बात है सोचिए पचहत्तर तो साल पहले हम गुलाम थे मतलब वी वर अ कॉलोनी ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम के हम कॉलोनी थे अब इंडियन मूल के लोग जो हैं वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इट इज ह्यूज थिंग राइट हाँ जी शी हैज़ बीन री एलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना तो शी जिनपिंग जो है ये 2013 में मतलब 2013 से अभी फिर से ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना राइट तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और ये किस पार्टी के हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के थर्ड फाइव ईयर टर्म 2013 से लेके अब इनका पांच मतलब तीसरा चल रहा है पाँच साल का कार्यालय इनका चलेगा ओके okay. विच कंट्री हैज़ सरपास चाइना टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट तो चाइना को भी पीछे छोड़ के कौन से कंट्री भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट मार्केट नीदरलैंड तो नीदरलैंड हैजेक ओवर चाइना एंड बांग्लादेश टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ठीक है तो ये है नीदरलैंड जिससे अब बहुत ज़्यादा भारत का ट्रेड बढ़ चुका है अमेरिका यू ए कंटिन्यू टू बी इंडियाज फर्स्ट एंड सेकेंड

तो यह है सितरंग सितरंग का नाम किसने दिया है ये थाईलैंड ने दिया है साइक्लोन तितली भी आया था इसके पहले 2018 में और बहुत सारे आते रहते हैं आपको पता ही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल आर्म पावर स्पेशल पावर तो विद स्टेट तो आठ और डिस्ट्रिक्ट में ये अफ्सपा के बारे में आपको पता ही है तो एक्चुअली हमारे आजादी के पहले से अफसपा चल रहा है ये एक्ट है 1958 का। और असम में अभी इसको आठ और डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है वहां पे सिचुएशन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो ये इसको किया जाता है ठीक है एम्स ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ मदुराई एम्स तो मदुराई एम्स के प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए हैं किसको तो नगराजन वेंकट रमन को एम्स मदुरई का अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री पी एम ए वाई यू यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन तो अर्बन में अर्बन यानी कि शहर शहर में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर दिया दो तो घर देने वाला है उत्तर प्रदेश ओके सो किस सबसे ज्यादा घर कहाँ पे बने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट आया सेकंड मध्य प्रदेश आया थर्ड तमिलनाडु आया नेक्स्ट जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे मैम बोर्ड से पढ़ाइए बोर्ड से पढ़ाइए बोर्ड से, पढ़ा से पढ़ा रहे हैं तो आई कैंट सी बहुत ज्यादा उल्लास मजा नहीं आ रहा आज क्लास में क्या हो गया hmm. रिविजन में मजा आएगा ना जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें तो मजा आएगा यस yes. तो मिलोनी जो है ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ की बनी इटली में पहली बार कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है ठीक है थर्टी फर्स्ट भी ये प्राइम मिनिस्टर है और ये महिला प्राइम मिनिस्टर है इनको याद रखेगा जॉर्जिया मिलोनी Mel पूछा जा सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका एक ग्रे लिस्ट होता है जो कि उतना खराब नहीं है और ब्लैक लिस्ट जो कि बहुत खराब है पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में भी जाने वाला है लेकिन अभी जो है ये ग्ले ग्रे लिस्ट की बात की जा रही है तो पूछा जा रहा है हैज एक्सक्लूडेड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट तो अभी हटाया गया है इसको कितने टाइम के लिए तो चार साल के लिए हटाया गया है अभी 2000 मतलब चार साल बाद हटाया गया है 2018 में डाला गया था 2022 में अब इसको हटाया गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है ओके इसरो हैज रीनेम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जी एस एल वी मार्क थ्री तो इसरो ने नया नाम डाला है जी एस एल वी मार्क थ्री का और इसने मतलब तुरंत नाम बदलते इतिहास रच दिया है तो इसका नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया है एल वी एम थ्री तो लॉन्च वहीकल मार्क थ्री अभी इसरो ने जी एस एल वी मार्क थ्री का नाम बदल के रख दिया है लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री ब्रैकेट में जी एस एल वी लिखा हुआ है और इसको आप याद रखेंगे जी ई ओ का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट एम ई ओ का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एल ई ओ का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट फाइन ठीक है ये तो आपको पता ही है कि आज डबल वैलिडिटी भी है और साथ ही साथ सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट भी है महापैक्स पे देखो महापैक इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपको सी आई एस एफ भी पढ़ना है बी एस एफ भी पढ़ना है अग्निवीर भी पढ़ना है कैट है सी डी एस है सी ए पी एफ है बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो बेस्ट है कि आप डिफेंस का महापैक ले लें इवन इंजीनियरिंग में भी देखिए अभी आपका एस एस जेई का एग्जाम है फिर डी का एग्ज़ाम है बाकी स्टेट्स के ए e और जेई e भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं यूपी uh, का ए e आने वाला है आर आर जेई आने वाला है इस बार आर आर जेई में बी भी अलाउड है तो अब सबका कर तैयारी करना है बार बार अलग अलग थोड़ी आप लाइव क्लासेस लीजिएगा इस अच्छे महापैक ले लीजिए जितने भी बैचेस आएंगे उस टाइम पीरियड में वो ऑटोमेटिकली आप में इंक्लूड हो जाएंगे साथ ही साथ आप देख सकते हैं ई बुक्स उसके बाद आप देख सकते हैं अपना जो आपका ये होता है टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है ना तो महापैक इज द बेस्ट ऑप्शन जब भी आपको लेना हो महापैक इज द बेस्ट ऑप्शन ठीक है चलो आप दो पाँच मिनट में थोड़ा रिविजन कर लें हम भी देखें कि कितना तुम लोग पढ़े हो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है चौदह सेप्टेम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, है ना याद है yes. यस सुनो ना भी है क्लास बोर्ड है थैंक यू मैम हाँ। तो हिंदी दिवस आपका कब है चौदह सेप्टेम्बर को मनाया जाता है फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल फोर्टीन अटॉर्नी जनरल कौन है तो मुकुल रोहतागी है अभी तो आपको पता ही है कौन है अभी कौन है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जी ट्वेंटी का समिट भारत में कब होगा तो 2023 में होगा जल्दी जल्दी बताओ अब तो ये सब पता ही है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नागा मिर्च नागा मिर्च कहाँ पे है तो ये नागालैंड का है नागा मिर्च ओके okay. अगला आप देखेंगे विच इंडियन आर्म फोर्स हैज कंडक्ट पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी है पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी ने किया सिक्स्थ एशिया कप टाइटल ये कहाँ पे हुआ ये किस साल 2022 में तो ये किसने जीता तो ये श्रीलंका ने जीता ये भी आपको पता है चलें बढ़िया रिलायंस का कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे खुलेगा ये गुजरात में खुलेगा ये सब रिवाइज कर चुके हैं और बहुत स्पीड में आप लोग आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया आइकन चेंज मेकर तो बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ये मिताली राज ये अवार्ड मिला बिजनेस लाइन द्वारा आई कैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर इन्होंने अब इस साल रिटायरमेंट भी ले लिया पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव किस शहर में शुरू किया गया है मुंबई में शुरू किया गया है पेंशन एट योर डोर स्टेप इंडियन एम्बेसडर टू जापान तो जापान ये जाएंगे सीबी जॉर्ज सब याद है ना थीम ऑफ आयुर्वेद हर दिन हर घर आयुर्वेद ये सब याद है बिल्कुल नेशनल न्यूट्रिशनल वीक तो न्यूट्रिशन जो है एक से लेकर सात सेप्टेम्बर होगा एनसीआरबी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वुमेन के लिए सबसे अनसेफ कौन सा है दिल्ली है बहुत बढ़िया सबसे सेफ क्या है कलकत्ता है बहुत बढ़िया सब याद है आप लोगों को रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में होता है ठीक है कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस बनाएगा कहाँ तो ये गुजरात में बनाएगा ये तो पढ़ ही चुके हैं अभी हम लोग है ना गुजरात में बनाएगा जम्मू कश्मीर के पुलिस के लिए एक ऐप है जेके ई कॉप इसका नाम है बहुत बढ़िया मेघदूत मिशन कहाँ पे किस शहर में देखो ये गलत बता रहे हो मुंबई में है मेघदूत दूत एम से मुंबई एम से मेघ टाटा स्टील ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पंजाब गवर्नमेंट के साथ तो ये कहाँ पे होगा ये स्टील आपका लुधियाना में इसको लॉन्च किया गया है ठीक है संतोष अय्यर बहुत सारे स्टूडेंट है बिल्कुल स्पीड में आंसर दे रहे हो बहुत सही आंसर दे रहे हैं एक्सीलेंट एक्सिलेंट बहुत बढ़िया ओके संतोष अय्यर ये आप बताएंगे कि संतोष अय्यर जो है यहाँ पे एम डी एन सी ओ बने हैं ऑफ चेंज मेकर कंपनी ये कौन सा कंपनी है ये है मर्सिडीज बेंस ठीक है सिक्सटी सेवेंथ फिल्म फेयर अवार्ड ये आप बताइए कि सिक्सटी सेवंथ फिल्म फेयर अवार्ड ये आपको अभी दिया जाएगा तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सुभाष घई को दिया गया है हाँ ठीक है ओके तो गाइज नाउ वील कंक्लूड दिस फॉर टुडे और यहाँ पे बहुत अच्छा रहा नए करंट अफेयर्स भी आपने पढ़े पुराने को आपने रिवाइज भी किया इसी तरह से रोज आठ बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगा आप आ जाइएगा कल भी आ जाइएगा है ना बहुत सारे स्टूडेंट आज नहीं थे इट इज़ नॉट अ गुड थिंग लाइव आइए और जल्दी जल्दी पढ़िए ठीक है तो बी के बैचेज हैं आपके पास सी के बैचेज भी हैं आपके पास बी एस एफ सी एस एफ की आप प्रिपरेशन कर करें तो आप बैचेज में आ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप एफ कैट सी डी एस या सी ए पी एफ की तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं सारे बैचेज में अभी डबल वैलिडिटी ऑफर और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो सकता है वो आपको दिया जा रहा है कोड आपको पता है वाई तीन सौ बत्तीस है लेकिन हमेशा बेस्ट रिकमेंडेड पैक होता है महापैक क्योंकि अभी महापैक भी बहुत अच्छे डिस्काउंट मतलब मिनिमम प्राइस पे महापैक तो ये क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप चल रहा है दस करोड़ का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपको पता ही है खुद अनिल नागर सर ने आपको बताया हुआ है तो अब आप बताएंगे मतलब आप इस कोर्सेज में आ सकते हैं और क्या पता कि आपको मिल जाए वो स्कॉलरशिप तो इस ड्यूरेशन में आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं डी के बैचेस हैं और ये टी आर वन का बैच है ये टी आर वन प्लस टू का बैच है ठीक है और यहाँ पे एस एस सी का भी आपको पता है कि बहुत सारे हमने रैपिड रिविजन बैचेज भी लेके आ गए हैं अब तो बहुत कम दिन बचा हुआ है तो पढ़ाई करो अच्छे से करिए और अगर आप महापैक में जाना चाहते हो तो ये आपके पास महापैक भी हैं अब इसमें एनरोल करना बहुत ईजी है इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको बस गूगल में जाना है तो इस तरह से हम गूगल में गए हमने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर हम गए इस वेबसाइट पे जैसे ही हम जाते हैं तो इस वेबसाइट पे जाते ही हमें यह मिलेगा आपको इस टाइप का एक पोर्टल मिलेगा बेस्ट है कि आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप से करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप का लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करेंगे सीधे प्ले स्टोर पर जाएंगे प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लेंगे और साथ ही साथ एक और बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसके बाद ही आपको कोई फ़ायदा होगा फर्स्ट मतलब पहला कैटेगरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ठीक है अब यहाँ पे आप क्या करें ऑल कोर्सेज में जाएं अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप डिफेंस का महापैक ले सकते हैं अभी आई आल से कि दिस इज द बेस्ट ऑफर कि आप कोई भी महापैक लेना चाहते हैं मतलब तो आप लाइफ कोर्सेज इट इज बेटर कि आप महापैक ले लें क्योंकि उसी प्राइस में आपको डबल वैलिडिटी में महापैक मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि महापैक में क्या फायदा होता है महापैक में ये फायदा होता है कि आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको सब कुछ लाइव क्लासेस, ई बुक्स टेस्ट सीरीज सब कुछ एक साथ मिल जाता है अच्छा ये क्या हो रहा है तो आपको पता ही वाई थ्री थ्री टू कोड है उसको यूज करना है और बस इनरोल हो जाना है आज नेट थोड़ा स्लो है हाँ मिल गया देखिए करेंटली अनअवेलेबल आप लोग अपने से लीजिएगा लगता है मैंने पहले से लिया हुआ है ना इसीलिए अच्छा तो मैं सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आपको दिखा दूँ ठीक है बारह महीने प्लस बारह महीने यानी दो महीने दो साल का है और छह महीने प्लस छः महीने यानी कि एक साल का है अब यहाँ पे आपको व्यू ऑफर्स में कोड तो आपको पता ही है कौन सा यूज करना है वाई तीन सौ बत्तीस एक सेकेंड बहुत दिन बाद मैं अभी बोर्ड पर बता रही हूँ टू टू नाइन नाइन रुपीज में आपको सिविल का महापैक मिल जाएगा अब सिविल में ई और जे डिप्लोमा या बीटेक आपने किया हुआ है आप ये महापैक लीजिए उसके बाद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है अब क्या करना है सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा सारे फैकल्टीज आपके पास रहेंगे आपके साथ रहेंगे क्या करना है कैसे पढ़ना है सब कुछ आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा पढ़ा दिया जाएगा पढ़ के एकदम पंडित बन जाओगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथ ही साथ आप डिफेंस का भी मैं महापैक ट्राई कर लू हाँ देखिए डिफेंस का महापैक है अब इसमें क्या फ़ायदा है इसमें अग्निवीर है सी है सी है सारे मैच हैं तो आप ये डिफेंस के महापैक में आ सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपने बस कोड तो पता ही है आपको Y332 आपको अप्लाई कर देना है और टू फाइव सेवन फाइव रुपीज में पता है कितने साल के लिए दो साल के लिए मिल जाएगा आप एक साल वाला भी ले सकते हैं सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ लेकिन अब ये ऑफर आज के लिए है क्योंकि आज आपको पता है कि भाई दूज आज खत्म हो जाएगा तो ये सारे ऑफ़र्स भी खत्म हो जाएंगे और किसी बैच के बारे में आपको जानना है तो आप बताइए मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ हाँ सी आई एस एफ भी है बिल्कुल सी आई भी देखिए डिफेंस है डिफेंस में आपको सी आई एस एफ का बैच भी दिख जाएगा ये आपको सी आई एस एफ का वॉरियर बैच दिख रहा है ठीक है तो इसमें आप ले सकते हैं या आज अगर आप लेते हैं तो आपको ये एक साल के लिए बैच मिलेगा ठीक है ये बैच का प्राइज़ सिर्फ वन फोर सेवन वन रुपीज फाइन यस तो सारे बैचेस हैं बिल्कुल तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए ऑल द वेरी बेस्ट जोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे प्ले को डाल दिया गया आप चैनल पर देख सकते हैं ठीक है ठीक है टेस्ट देखिए टेस्ट लेना भी बहुत इजी सा बात है इसमें कुछ है नहीं जैसे आप जिस भी कोर्स में जा रहे हैं ना तो आपको बस उस कोर्स में ऐसे नीचे जब आप जाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा नहीं तो टेस्ट सीरीज का कोड में एस है राइट जैसे आप अगर डिफेंस का प्राइम टेस्ट पैक ले रहे हैं यहाँ पे तीन महीने का है छः महीने का बारह महीने का है फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ यानी एक साल का ले रही हूँ तो यहाँ पे मुझे कोड यूज़ करना है वाई थ्री थ्री टू एस और अप्लाई करना है तो दो सौ छः रुपये का एस कोड है ये यहाँ पे ये कौन कौन सा कोड है ये एस कोड है टेस्ट सीरीज और ई बुक्स का कोड एस लगता है उसमें थैंक यू फॉर द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ाई कीजिए इसी तरह रोज सुबह आठ बजे आपको आना है आपके यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे फ्री में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस लेने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्लासेस में ले लूंगी ठीक है हाँ थैंक यू फॉर द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट